नदीम साहब और अतीका ओडो के आप छोटे बेटे बने। मेरा ख्याल है मजाक अच्छा है। देखिए हनीफ राजा के प्रैंक शो का ये हिलेरियस प्रैंक। मेन रोल सर आपका ये है। चलिए ठीक है, वो साहिल समंदर में घूम रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? सर आप दूर बैठे हुए, सर दूर बैठे हुए आप उनको ऐसे करके देख रहे हैं, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप दूर रेस्टोरेंट में बैठे हुए चाय पी रहे हो। इसके अंदर ये होगा आपके एक नहीं दो कैरेक्टर। मेरा कोई लूज कैरेक्टर तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर ये 50 एपिसोड का एडवांस है सर, आप ये 50 एपिसोड का एडवांस 50 रुपए। व्यूवर्स, मैंने यानी हनीफ राजा ने बुलवाया सीनियर एक्टर जमशेद अंसारी साहब को स्टूडियो में कि एक सीरियल हम बना रहे हैं जिसमें आपने मेन रोल करना है, और इस बहाने उनके साथ किया एक मजेदार प्रैंक। कैसे मिजाज है? नासिर कहते हैं मुझे। जी बेहतर, बैठिए तशरीफ रखिए। मेरा नाम जमशेद अंसारी। जी बिल्कुल सर, आपको कौन नहीं जानता। ये बड़ी मोहब्बत आपकी। सर अभी हमारा एक इरादा है एक सोप ओपरा बनाने का। सोप ओपरा? जी सॉरी। और उसके अंदर कराची के ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत मशहूर और फेमस आर्टिस्ट हैं। मसलन सर नदीम साहब हैं, अतीका ओडो हैं। इसके अंदर मेन रोल सर आपका ये है, इस तरह है कि नदीम साहब और अतीका ओडो के आप छोटे बेटे बने। मेरा ख्याल है मजाक अच्छा करते हैं बेटे। अगर आप ज़रा सा गौर करें तो नदीम की एज में और मेरी एज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर वो 60 के हैं तो मैं 61 का हूँगा, या अगर वो 61 के हैं तो मैं 60 का हूँगा, तो बेटा कहाँ से लगूँगा? सर इसमें सर ये है कि आपका यानी कि आपको मैंने बताया जैसे नदीम साहब और अतीका ओडो के आप छोटे बेटे हैं, सर हम गेटअप इस तरह कर लेंगे, सर इस तरह का गेटअप होगा कि हम लोग उसमें आपको यानी कि छोटा बेटा ऐसा लगेगा कि छोटे बेटे हैं वाकई में आप। अच्छा चलिए सर, अगर ज़्यादा डिमांड होगा ना सर तो हम फीडर दे देंगे सर। सर जैसे ये सर ये पहला सीन है, इसके अंदर ये है कि अतीका ओडो और नदीम साहब ये लोग कहीं सी व्यू पर घूम रहे हैं, कहीं समंदर के साहिल पर घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, वो साहिल समंदर पर घूम रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? सर आप दूर बैठे हुए, सर दूर बैठे हुए आप उनको ऐसे करके देख रहे हैं। दूर कहाँ, दूर कितनी दूर? सर थोड़ी दूर। अच्छा। यानी कितना होगा कि नजर आ रहा होगा कि पीछे। अच्छा चलिए, पहले किस्त तो ये हो गया कि चलिए उन हाँ। उन दोनों को देख रहा हूँ, ये हो गया जी सर। फिर आगे क्या होगा? सर ये दूसरी किस्त है, दूसरी एपिसोड है। दूसरी एपिसोड के अंदर सर ये होगा, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप दूर रेस्टोरेंट में बैठे हुए चाय पी रहे होंगे। अजीब आदमी हो, पहले एपिसोड में भी दूर बैठा हुआ उसको देख रहा हूँ, अब मैं दूर बैठा हुआ चाय पी रहा हूँ, फिर उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि मेरा मेन रोल है, तो अभी तो मेरा करेक्टर ही कोई निकल के नहीं आया इसमें। सर करेक्टर, और आप कह रहे हैं कि मेरा मेन करेक्टर है, तो मेन कहाँ से हो गया? सर, दो किस्तें तो ऐसी चली गई, मैं कितने किस्तों में काम कर रहा हूँ? सर ये तो आप कंटिन्यू रहेंगे इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये होगा आपके एक नहीं दो करेक्टर है। अच्छा, एक नहीं दो करेक्टर? दो करेक्टर है आपके। मेरा कोई लूज करेक्टर तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर क्यों सर, सर शर्मिंदा कर रहे हैं? अच्छा फिर सर दो करेक्टर है इसके अंदर, ये तो होगा कि आप बाप भी हैं और आप बेटे भी। माशाल्लाह, यानी स्टोरी जरा से टर्न हो गई यहाँ से, यानी मैं बाप भी हूँ और बेटा भी हूँ। सर फोर्थ एपिसोड में सर बहुत इंपॉर्टेंट सीन है आपका जी, और इसके अंदर इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अतीका ओडो और नदीम साहब बैठे हुए घर में। अच्छा ठीक है, अतीका ओडो और नदीम साहब घर में, घर में बैठे हुए, और बाहर से एक गाड़ी हॉर्न देती हुई गुजर रही। अच्छा, उस गाड़ी के अंदर आप थे। एंड में जो लास्ट एपिसोड होगी उसके अंदर आपका करेक्टर सामने आ जाएगा टोटली। मेरा करेक्टर क्या सामने आ जाएगा? मेरा तो करेक्टर अभी मेरे सामने अभी तक तो आया नहीं भैया, इतने आपने किस्ते बता दी, तो बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? डबल रोल आप फरमा रहे, डबल रोल कर रहा हूँ, वो डबल रोल कहाँ जाके फिट हो रहा है? ये डबल रोल किस तरह फिट हो रहा है सर? घर में आपकी एक तस्वीर शुरू से लगी है, शुरू से एक तस्वीर, क्योंकि मैंने आपको बताया दो रोल है, एक फादर का और एक बेटे का, तो बाप की तस्वीर जो है वो कंटिन्यूसली वहां पर तस्वीर घर के अंदर लगी हुई है। बाप की तस्वीर? जी हाँ, वो आपकी तस्वीर है, असल में आपकी तस्वीर होगी वो वहां पर लगी हुई। अच्छा, तो एक तो करेक्टर आपका ये हो गया बाप का, बेटे का मैंने आपको बता दिया। इसमें ये होगा, ये इसी तरीके से सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे वो लोग बैठे हुए कहीं चाय पी रहे, ठीक है, आप पीछे से गुजर गए सर, एक ये भी सीन हो सकता है कि वहाँ वो लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, आप पीछे से गुजर गए। मुझे एक बात का जवाब दे दो, मेरी तस्वीर जो बाप की तस्वीर है वो दीवार पर लटकी है और मैं जो हूँ डबल रोल कर रहा हूँ, तो डबल रोल कहाँ आ गया? बाप की तस्वीर क्या कर रही है, मतलब बाप क्या तस्वीर के अंदर से निकल के बोलेगा? ये मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट फॉलो यू, मैं आपकी बात को नहीं समझा, ये रोल किस तरह से आगे चलेगा? आपने जो मुझे मेरे सीन बताए, गुजर गया, हॉर्न बज गया, गाड़ी में बैठा हुआ था, दूर से होटल से चाय पी रहा था, ये मतलब कोई स्ट्रॉन्ग, और आप फिर उसके ऊपर आपका इशरार ये है कि ये रोल मेन है, तो मेन रोल मेरे भाई कहाँ से हो गया ये? मतलब ये मैं नहीं समझ पाया कि इसको आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, ये डिमांड है, ये रोल की डिमांड है, यानी कि ये मेन रोल इसी तरह है कि ये क्लाइमेक्स है,
एंड में जब जब लास्ट एपिसोड आएगी ऑब्वियसली आपका पूरा एक्सप्लोर होगा आपके पूरी अब तो उससे पहले मेरा एंड ना हो जाए भाई। नहीं अल्लाह ना करे क्या मतलब यार, तुम कह रहे हो 2-3 हज़ार तक चलेगा, तो 2-3 हज़ार तक आपको कल का पता है, आप किसी का परसों का पता नहीं, आप 2-3 हज़ार तक ले जा रहे हैं। 2-3 हज़ार तक मैं सिर्फ गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजाता हुआ निकल गया, दूर बैठ के चाय पी ली, उधर से वो नाश्ता कर रहा है उनके बराबर से गुजर गया यार। तस्वीर मेरी और बाप की जो तस्वीर है वो साफ क्या, जबकि मैं आप मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आया मैं करूं या ना करूं। सर अब तो सर आपको पसंद ना है सर आप छोड़ दिएगा, लेकिन सर ये सर ये 50 एपिसोड का सर एडवांस है। कितने एपिसोड्स का एडवांस है ये? 50 एपिसोड्स का एडवांस 50 रुपये। माशाल्लाह सर। अच्छा एडवांस है। हाँ आप किस में आए? सर रक्षा में। रक्षा में बेटा ऐसा करो ये रखो अपने पास, क्योंकि वापस भी तो घर जाना है तुमने, है ना, ये रखो। और पेन तो आपने रख ही लिया, 50 से 2 हज़ार तश्ते भी हो सकती हैं, ऐसा करो ये घर से रख लो। है नहीं बेटा ये यार आप क्यों नहीं समझ रहे, क्यों आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं भाई, फॉर गॉड से मुझे नहीं करना, मुझे माफी दो भाई। सर बात सुनो। हाँ सुनाइए। और जनाब जमशेद अंसारी साहब को बता दिया गया कि ये मेरी यानी हनीफ राजा की शरारत थी। उन्होंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू जमशेद अंसारी साहब। खुदा की कसम शहबाज हनीफ तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे अच्छा रहा, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।